अभी नया दिन शुरू हो चुका है भाई मॉरिटेनिया में, और मेरे को कल क्या क्या दिक्कत हुई, सबसे मेजर दिक्कत क्या हुई वो बताता हूँ भाई। जिस वीडियो का टाइटल भी आपने पढ़ा होगा, मेरे पास है भाई SBI का कार्ड भी है और एक नियो कंपनी करके कार्ड है। नियो का कार्ड मैंने काफ़ी वीडियो में उनका प्रमोशन भी किया है और वो कार्ड भी है। वो मेरा इराक में भी चला, हर जगह चला, आज तक कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे ये कार्ड चला ना हो, पर कल नहीं चला भाई। 3-4 ATM अलग अलग बैंकों के मैंने ट्राई कर लिए, नहीं चला भाई। मेरे पास वीज़ा के तक पैसे नहीं थे यार, मेरी गलती है, मेरे को पता है कि कैश अपना लाना चाहिए, चाहे कितने ही कार्ड हो आपके पास, कैश हमेशा कैश ही रहेगा। और भाई पहले एक मिनट देखो यार, मतलब धूल उड़ती रहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं जैसे होटल से बाहर निकला ना, मैंने कहा भाई ये क्या है, धूल उड़ रही है यहाँ पे। चलो ये रोड खाली है, ये भी जाती है वहीं पे, तो यहीं से चलते हैं। ऐसा यार देखो रोड, देखो रोड नहीं है यहाँ पे, हाँ मेन रोड तो है ही पर रेगिस्तान है भाई ये भी। तो फिर मैंने सोचा भाई अब क्या करा जाए। एक बंदा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसने अपना थोड़ा कमीशन लेके मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा पैसों में पैसे दिए, ठीक है। तो उस बंदे ने भाई 4-5 ATM घुमाए मेरे को, तो भाई निकलवा के देख, 4-5 क्या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे भाई मेरे हिसाब से, कहीं नहीं चला भाई मेरा कार्ड। फिर लोगों ने कहा मास्टर कार्ड है आपके पास, मेरे और सारे वीज़ा कार्ड हैं, कोई भी मास्टर कार्ड नहीं है। तो कभी भी किसी कंट्री जाओ तो एक मास्टर लेके जाओ, एक वीज़ा कार्ड लेके जाओ, हमेशा ये करो, ठीक है। मैं भी घर जाते ही कोई मास्टर कार्ड बनवाऊंगा भाई पहले। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास सारे वीज़ा हैं। एक जर्मनी का बंदा मिला मेरे को ATM से निकलवाते हुए सिटी में, तो उसने कहा मेरा मास्टर कार्ड चलता है हमेशा जर्मनी का। मैंने कहा यार फिर तो इंटरनेशनल बैंक मतलब यहाँ पे चल रहे हैं, और देखो ये शायद एम्बेसी है भाई, कोई किसी दूसरे देश का झंडा लगा है ना, तो एम्बेसी एरिया में मैं कहीं पर रुका हूँ। और फिर उसने कहा भाई मेरा तो चल रहा है, तो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या दिक्कत है। फिर मैंने अपने न्यू वालों को मैसेज किया, वो कहते हैं आपका कार्ड फुल्ली एक्टिवेटेड है सर। तो फिर मैंने कल थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च वगैरह करी कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसमें पता चला कि एक बैंक है यहाँ पे PNP पता नहीं कुछ करके नाम है बैंक का, तो उस बैंक में आपका कार्ड चल सकता है वीज़ा कार्ड, जो कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा। और यहाँ पे देख लो भाई हवा कितनी तेज़ चल रही है, शायद थोड़ी दिक्कत हो सके ऑडियो में, ठीक है। तो फिर भाई पहले मैं जा रहा हूँ उस बैंक में। अब आप फंस जाओ किसी देश में ऐसे कि भाई आपके पैसे नहीं है, इंडियन रुपीज़ है मेरे पास, 15-20 हज़ार इंडियन रुपीज़ पड़े हैं, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जानता नहीं है भाई इंडियन रुपीज़ को, डॉलर या यूरोज या पाउंड भी होते तो भी चल जाता काम। तो भाई ओहो भाई मिट्टी घुस गई भाई, ये तो थोड़ा सा मुँह खोलते। तो ओहो तो क्या हुआ, फिर आपके पास ऐसा क्या सिचुएशन है कि भाई आप यहाँ पे फंस जाओ तो आप क्या कर सकते हो। सबसे बेस्ट सिचुएशन है जैसे इराक में मेरे ड्राइवर PayPal एक्सेप्ट करते थे, तो ट्राई करो कि PayPal अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो PayPal बेस्ट रहेगा। दूसरा ऑप्शन है जो वर्ल्ड वाइड चलता है भाई, वो है वेस्टर्न यूनियन। पर वेस्टर्न यूनियन से इंडिया से आप लिमिटेड देशों में पैसे भेज सकते हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देश है, यूरोप के, US के, उन देशों में आप पैसा भेज सकते हो वेस्टर्न यूनियन से। पर मॉरिटेनिया जैसे देशों में इंडिया से पैसा नहीं भेज सकते आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो कि कहाँ पे हो, US में, जर्मनी में, कहीं पे भी यूरोप में। तो मैंने ऐसे अपने 2-3 दोस्तों को कॉन्टैक्ट किया है, हालांकि ये देश जो है 6 घंटे पीछे चलता है इंडिया से, और USA से 4-5 घंटे आगे चलता है। तो एक मिनट मैं मैप देख लूँ पहले कहाँ जाना, 2 किलोमीटर है यहाँ से वो बैंक जो कह रहे थे चल सकता है, सीधा सीधा जाना है अभी। तो हाँ, तो 6 घंटे पीछे चलने वाली बात इसलिए बता रहा था क्योंकि जब मैं उठा 5 बजे तो इंडिया में बज रहे थे कुछ 11 और US में बज रहे थे रात के। तो जो मेरा दोस्त है वो इंडिया से US कॉन्टैक्ट करेगा अपनी सिस्टर को, परमवीर, आप जानते हो कि पैसेंजर परमवीर भाई, तो वो जब उसकी सिस्टर उठेगी भाई वो तभी कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैंने उसको कह दिया है कि मैंने कहा कि भाई मैं एक ATM और ट्राई कर रहा हूँ, उससे निकल गए तो ठीक है भाई, वरना अपना ये वेस्टर्न यूनियन ही लास्ट ऑप्शन है।
फिर तीसरा ऑप्शन एक मेरे और दोस्त ने बताया कि आप azimo.com जैसी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो भाई, पैसे खुद ही के अकाउंट से इन azimo.com जैसे कोई वेबसाइट है इनको आप भेज दो और वो आप जाके यहाँ पे किसी बैंक से विड्रॉ करा सकते हो। तो वो तो भाई मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो मैं अभी तो वो नहीं करना चाहूँगा। अभी मैं पहले ट्राई करूँगा कि ATM से निकल जाएँ, और अगर ATM से नहीं निकलते हैं तो भाई अपना वेस्टर्न यूनियन से निकल जाएँ। वेस्टर्न यूनियन से तो खैर निकल ही जाएंगे भाई, ये तो पूरा VIP क्षेत्र है, बड़े बड़े मतलब बंगले हैं यहाँ पे, एम्बेसीज हैं, और थोड़ा यार हवा देखो यार इग्नोर करनी पड़ेगी यार, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं माइक यूज़ नहीं करता क्योंकि माइक बहुत ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करता है जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ मैं उस ATM की तरफ। हाँ आप कहोगे भाई फिर आपके टैक्सी के पैसे, वीज़ा के पैसे भाई किसने दिए? तो भाई जो भी उधारी मेरी हो गई थी उस टैक्सी वाले पे, जो उसने वीज़ा के पैसे दिए, पुलिस ऑफिसर को रिश्वत टाइप खिलाई कि मेरे को इमिग्रेशन पार ले जाके ATM के पास ले जाए, वो जो भी पैसे थे मेरे होटल वाले बंदे ने दे दिए। मस्त होटल वाला है, कहता भाई कोई बात नहीं तेरे पास पैसे नहीं है मैं दे देता हूँ इसको, अभी तेरे पास जब हो जाए दे दियो। रूम का भी उसने मेरे से नहीं मांगा, कहता भाई तू कल निकल वाला है तब मेरे को दे दियो पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को एक सिम कार्ड भी दी कि इसके भी पैसे भाई कोई नहीं तेरे खाते में लिख लिए हैं। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, और अभी काफ़ी ज़्यादा उधारी हो गई है भाई, निकलवाने ही पड़ेंगे कैसे ना कैसे करके। तो आज का दिन जो था मैं कहीं और जाने वाला था भाई, पर आज का दिन जो है ये एक तरह से अपना पैसे ढूंढने की तलाश में हो जाएगा। और आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे भाई घूमने चला जाता है बिना बाल वाल कटवाए ऐसे ही, तो भाई मैं जानबूझ के नहीं कटवा गया है बाल। मैं जानबूझ के क्यों नहीं कटवा गया है, क्योंकि भाई मेरे को दूसरे देशों में बाल कटवाना पसंद है। जॉर्डन में कटवाए थे, इजिप्ट में कटवाए थे, अब मॉरिटेनिया में कल जब मैं ATM ढूंढ रहा था वहाँ पे एक सलून भी मिल गया था मेरे को, तो मैंने कहा हाँ भाई कोई नहीं कल या फिर आखिरी दिन इसी सलून में आके बाल कटवा लेंगे, क्योंकि सलून वाला उधार नहीं करेगा अभी मेरे से, तो उस टाइम पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो अब चलते हैं ATM, देखते हैं भाई क्या होता है यार। कल जो आपने देखा पेरिस एयरपोर्ट मेरे को एक बंदा मिला था, वो कह रहा था यहाँ पे एक इंडिया का रुपया यहाँ के 5 के बराबर है। भाई वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 2017 तक था, अब क्या हो गया है यहाँ का एक इंडिया के 2.1 के बराबर है, क्योंकि हर जगह मेरे को ऐसी चार्ज किया गया है एक यहाँ का इज इक्वल टू इंडिया के 2.1। ठीक है, तो ये है यहाँ की करेंसी का रेट। पुराने वाले नोट नहीं चलते हैं भाई, कोई आपसे कहे कि ये है तो वो नहीं होता है। ठीक है, वो पता नहीं यहाँ पे वर्क करते थे क्या था सिस्टम जो भी था, पर ये गलत रेट था। ये ATM में भाई अपनी आखिरी उम्मीद, वीज़ा यहाँ पे लिखा है, अब तो चला गया खैर, तो वरना हमको जाना पड़ेगा वेस्टर्न यूनियन की तरफ। हे भगवान निकाल दीवार, तकलीफ इजी हो जाएगी हमारी। पिन नंबर लो भाई, पिन नंबर डाल दिया। हाँ भाई विड्रॉल करना है भाई हमको, तू दे दे भाई उधर अमाउंट, करते हैं 5,000 करके निकलवाते हैं कंफर्म। डू यू नीड अ टिकट? यस दे दियो भाई हो तो। हे भगवान निकल जा, योर विड्रॉ योर प्लीज ट्रांजेक्शन कैंसिल। नहीं बना भाई काम अपना वहाँ पे, बैंक का नाम तो BNP परिभाष करके कुछ है, काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल बैंक है, 8th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड है, पर उस बैंक का नाम उस ATM पे कहीं नहीं लिखा था, तो ना विड्रॉ हो ना कुछ हुआ, अकाउंट बैलेंस भी नहीं बता रहे हैं बैंक, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक ATM हो रहा है यार 700 मीटर दूर, उस पर और चेक कर लेता हूँ अगर चलता है तो भाई, वरना अपना वेस्टर्न यूनियन भी बहुत पास में ही है, तो फिर तो लास्ट ऑप्शन वही है यार, लास्ट नहीं मतलब सेकंड थर्ड लास्ट है वो, उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई डोमिनोज एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मैंने यहाँ पे, पर अभी जा भी नहीं सकता खा भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो एक बार 700 मीटर दूर जो बैंक है उस पर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। कल इस बैंक पे भी आया था भाई, ये तो सिर्फ फ्रेंच में है और ये नेशनल बैंक है मॉरिटेनिया का, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था क्या है ये। चल भाई 700 दे दे, पर ये करता ही नहीं यार कुछ, निकालता ही नहीं कुछ पैसे, मिनिमम 500 भाई तो 500 ही निकाल दे, 700 छोड़ दूँ।
भाई निकालते ही नहीं है पैसे, ईश्वर इनकरेक्ट। तो भाई वेस्टर्न यूनियन पे पहुंचा, वहाँ वेस्टर्न यूनियन था ही नहीं। एक दो लोगों से पूछा, कहते हमको तो पता ही नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या है। तो भाई अभी एक वेस्टर्न यूनियन और सर्च किया मैंने, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। अब आप कहोगे भाई इतनी डेजर्ट कंट्री में तू कैसे पैदल घूम रहा है। भाई अभी तक जो वेदर है वो काफ़ी सहन करने लायक है। और अगर आप देखोगे ना भाई, आपको ऐसा लगा धूल उड़ रही है पूरे देश में। भाई पूरे बाल ऐसे हो गए यार। अभी मैं मतलब नहा के आया, हेयर सीरम वगैरह लगाया था, भाई देखो क्या हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसे सूखे सूखे से। और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सब जगह धूल उड़ रही हो। तो अब जा रहा हूँ मैं 3 किलोमीटर दूर, और मौसम अभी तक तो ऐसा है। अभी टाइम हो रहा होगा, बताता हूँ रुको, टाइम हो रहा है 10:43। अभी तक तो मौसम सही है क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पे। नॉकचोट का जो कैपिटल है उसका मतलब ही है सिटी ऑफ विंड्स करके कुछ ऐसा। तो भाई हवा चल रही है तो अभी तक तो सहन करने लायक है। और अगर मेरे को लग रहा है 1 या 2 बजे के बाद सहन करने लायक नहीं रहेगा मामला। तो अभी चलते हैं, आखिरी बार वेस्टर्न यूनियन ट्राई कर लेते हैं, वरना मैं अपने होटल वाले से पूछूंगा भाई, क्योंकि मोरिटेनिया वेस्टर्न यूनियन तो है पर एग्जैक्ट लोकेशन भाई क्या पता चेंज हो गई हो गूगल मैप्स के हिसाब से। तो अगर वो वाला नहीं मिलता तो होटल चलते हैं, कुछ खा पी के फिर निकलेंगे दोबारा। ये भी एक बैंक है भाई, इन्होंने अति जारी बैंक, इन्होंने अति जाली बैंक है भाई ये। एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी बड़ी प्रमोशन तो कर रखी थी, यहाँ चलता वलता है नहीं इनका एटीएम। चलो ये भी नहीं चला, मतलब कल ही पता चल गया था। तो अब देखो भाई एटीएम अभी भी रेत जमी हुई है यहाँ पे। भाई एक एटीएम हो रहा है ये बैंक्वेस डेस फाइनेंशियल इस्लाम करके, ये तो सर्विस में ही नहीं है शायद। भाई इस एटीएम ने अगर निकाल दिया ना पैसे मान जाऊंगा। अबे यार ये क्या लिखा है यार। तो भाई ये आपको कब वीडियो बना रहा है भाई, अब बज रहे शाम के लगभग 4। बहुत घूमा मैं, दूसरा वेस्टर्न यूनियन मेरे को मिल गया। फिर मैंने अपने नोवैड शुभम भाई, वो दुबई में था अभी, मैंने कहा भाई फटाफट एक काम कर 1500 दिरहम भेज मेरे को यहाँ पे मोरिटेनिया में। वो फिर वहाँ गया, वहाँ पे दुबई वाले कहते हैं आप इंडियन बंदा नहीं भेज सकता क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट आए हो यहाँ पे। उसके साथ ब्रैंडन था जो कि US का बंदा है, तो उसने फिर भेजे, कहते US का बंदा है वो तो भेज सकते हो कोई दिक्कत नहीं अगर टूरिस्ट भी हो तो। मैंने कहा यार क्या भेदभाव चल रहा है यार इंडियंस के साथ हैं। फिर 1500 दिरहम होते हैं लगभग इंडिया में, तो 30,000 हो गए। और इसमें क्या है ये यहाँ की करेंसी, ओइंग ओइंग करके कुछ ऐसी करेंसी है भाई, उसमें होते हैं 14,500 से थोड़े सा प्लस। पर दुबई में इतना कमीशन कटा कि आएंगे यहाँ पे सिर्फ 12,500। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ वही, यहाँ से है 2.7 किलोमीटर। और सुबह मतलब रोड ऐसी लगती है भाई कि धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, दूर का मतलब ऐसा लगता है भाई धुंधला दिख रहा है क्योंकि धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा मौसम सही हो गया है। तो अभी यहाँ से मैं टैक्सी के, एक अपने अफगानिस्तान के भाईजान थे, ये टैक्सी है क्या ये, एक अफगानिस्तान के भाईजान थे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को टैक्सी क्या है। तो उनसे मैंने 50 वइंग वइंग पता नहीं क्या है यार वो ले लिए। और फिर उसका पानी पेप्सी वगैरह खरीद लाया मैं, पूरे 50 लग गए, 50 मतलब लगभग 110 रुपये हो गए, 110 या उससे कम शायद थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कल रात को पानी भी दिया था मेरे को कि भाई ले लो। अब मेरे को चाहिए था टैक्सी के लिए 20 वइंग वइंग ठीक है ओ गिवानी कुछ ऐसा करके। तो मैंने फिर अपने होटल में बंदा बैठा था एक, वहीं पे काम वाम करता है, मैंने उससे कहा भाई तेरे पास हैं, उस बेचारे के पास सिर्फ 10 थे, फिर उसने किसी से मांगे 10 और फिर मेरे को करके ये 20 ओइंग ओइंग के सिक्के दे दिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ तेरे को वापस करता हूँ, मैं अफगानिस्तान वाले भाई को भी करने हैं, होटल वाले बंदे को भी करने हैं। तो
ये करते करते भाई अब कर्जा चढ़ता जा रहा है, 12,000 अपने वहाँ से लेके आते हैं। और जहाँ जो वेस्टर्न यूनियन यहाँ पे जो चल रहा है वो है ला कैपिटल, ला कैपिटल करके एक जगह है, उस एरिया में वेस्टर्न यूनियन वो वाला चल रहा है। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर इन लोगों ने यार कैमरा बहुत पसंद नहीं है। मैंने बहुत वीडियोज़ में देख लिया, लोगों को कैमरा बहुत पसंद नहीं है यहाँ पे जो लोग रहते हैं। इसलिए मैं जो पहले ही वेस्टर्न यूनियन में गया ना, कैमरा मैंने इतना निकाला नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ पे वैसी भीड़ है, पैसों का मामला और है भाई, कहीं चिपट के मेरे को पेली डाले यहाँ पे। मैंने कहा नहीं भाई ठीक है, YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं, पर इतना नहीं है कि भाई पिट पिट आ जाएँ। तो अभी मैं मेन रोड पे पहुँच गया हूँ और यहाँ से चलते हैं अपने लाख। एक तो रोड ही नहीं पता चलते भाई, मेन कौन सी है मेन कौन सी नहीं है, जो बिल्कुल मेन है ना वो पता चल जाती हैं, पर जो मतलब जैसे छोटी छोटी रोड हैं ये नहीं समझ में आती मेन है क्या है। और हाँ टैक्सी पता ही नहीं चलेगी भाई कौन सी है। मैं बताऊँ टैक्सी कौन सी मिलेगी, जो सबसे टूटी हुई मर्सिडीज होगी ना बहुत पुराने पुराने ज़माने से की, वो टैक्सी हैं। अब मेरे को नहीं पता, कंफर्म नहीं हूँ, पर वो ही है भाई। अब चलते हैं देखते हैं भाई क्या होता है। तो ये है शायद यहाँ पे सबसे बड़ा नोट, जिसके पीछे है वही आयरन ओर वाली ट्रेन छपी हुई है, 1,000 का ही है। और ये देखो ऐसे देते हैं एक बंडल सा बना के वेस्टर्न यूनियन वाले, या फिर पता नहीं इसी देश का है, मतलब ये 10 नोट का एक बंडल है। तो ऐसे बंडल आए हैं देखो, और सिक्के ऐसे आए थे, 20 मैंने किसी को दे दिए, 40 का एक बंडल आया था ये। तो पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अपने वेस्टर्न यूनियन से। नोमैड शुभम भाई आप जानती होगे, उन्होंने मेरे को दुबई से भेज दिए थे पैसे, और मतलब कमीशन तो बहुत ज़्यादा कट गया, पर कुछ नहीं कर सकता था मैं, मेरा एटीएम कहीं नहीं चल रहा था। तो फिर कमीशन उन्होंने लिया अराउंड 4,000 रुपये, तो काफ़ी ज़्यादा कमीशन कट गया है। तो पर कोई बात नहीं, अभी मेरे पास बचेंगे होटल वगैरह वालों को देने के बाद कुछ अराउंड कितने 6,500 कुछ बचेंगे। तो उसमें मेरे को अब अगला अपना सारा टूर करना है, क्योंकि दोबारा मंगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा दोबारा कमीशन लगेगा। तो इससे अच्छा 6,000 में टूर करके अपना नेक्स्ट देश निकलेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अपने साथ आपका नाम क्या है? आपका नाम जबीहोला। तो ये अफगानिस्तान से, और इन्होंने मेरे को सुबह पैसे दिए थे पानी वगैरह जूस वगैरह पीने के लिए, और कल मेरे को एक पानी की बोतल भी दी थी इन्होंने, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे थे नहीं, और आज सुबह भी पैसे नहीं थे, और टैक्सी के पैसे मैं होटल के बंदों से लेके गया था 20। तो सबको भाई शुक्रान पैसे। तो अभी तो रमजान चल रहा है तो ये तो कुछ खाते नहीं, पर भाई मेरे को तो खाना पड़ता है। तो एक यहाँ पे ये आता है मेलन मिल्क, ये मैंने किसी की वीडियो में देखा था, कोई यूट्यूबर ही था, और काफ़ी अच्छा है। और ये आता है 20 का, 20 हो गया मतलब अराउंड 40 रुपये हो गए। तो और ये मेरा होटल है, यहाँ पे नॉकचोट में सबसे सस्ता हॉस्टल कह लो होटल कह लो यही है। 10 यूरो इसका दिन का खर्चा, 10 यूरो जाते हैं अराउंड 400 उगिया, जो यहाँ की करेंसी का नाम है उगुया। तो भाई आप समझ गए कि मॉरिटेनिया में हमेशा डॉलर या फिर यूरो लेके आओ। आपने डॉलर चेंज कराए थे ना? अच्छा कहाँ, यही पास में? हाँ पास में। कितने मिले थे उसके? $100 के? $100 3,600 तो $100 के अराउंड 3,500 से 3,800 तक रेंज कर सकते हैं। गूगल पे शायद 3,000 पता नहीं कितने दिखा रहा है, खुद ही देख लेना आप। तो ये आप समझ गए भाई, डॉलर यूरो या फिर पाउंड भी शायद चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो डॉलर यूरो ही कंसिडर करो। मेरी जैसे गलती मत करना भाई कि कमीशन में बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो इसलिए तो आप वीडियो देखते हो कि भाई आप इन देश में जाने से पहले गलती ना करो, हम सारी गलती कर लें पहले ही। तो इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म। इस वीडियो में मतलब आज का दिन पूरा यही था कि मेन पैसे का जुगाड़ करना है, और वो हो गया है।